हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्नो 52 में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड किस तरह से ऑन करना है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको ऑन करना है दोस्तों। इंस्टाग्राम आपको खोल लेना है और देन आपको छोटे वाले लोगो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ऊपर में जो थ्री लाइन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन खुल जाएगा। देन प्रेस देन कर देना है सेटिंग एंड प्राइवेसी पर। जैसे आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे, इस तरह का सेंटर खुल जाएगा दोस्तों। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ अकाउंट टाइप एंड टूल्स पर प्रेस कर देना है। अकाउंट टाइप एंड टूल्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट एंड ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। यदि आप ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना ले, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दोस्तों कि स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में आप स्विच कर लें, क्योंकि आपका प्रोफाइल बना हुआ है। तो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको कंटिन्यू कर देना है दोस्तों, फिर से कंटिन्यू करना है, फिर से कंटिन्यू करना है और फिर से कंटिन्यू कर देना है। चार बार आपको कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, अब आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके मतलब आपकी कैटेगरी पूछ रहा है कि आप गेमर हैं या रेस्टोरेंटर हैं, ब्यूटी कॉस्मेटिक हैं, पर्सनल केयर हैं या ग्रोसरी स्टोर है, या फोटोग्राफर हैं, शॉपिंग एंड रिटेलर हैं, क्या है। तो आपको वीडियो क्रिएटर पे, यदि आप वीडियो इंस्टाग्राम पे वीडियो क्रिएट करते हैं दोस्तों, रील क्रिएट करते हैं, तो आपको वीडियो क्रिएटर पर क्लिक कर लेना है। या आपकी और कोई कैटेगरी होगी तो सर्च बार में आपको टाइप करके सर्च कर लेना है दोस्तों। आपको वीडियो क्रिएटर पर क्लिक कर देना है। वीडियो क्रिएटर पर जैसे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल को ऑन कर लेना है दोस्तों। इसके बाद डन कर देना है। जैसे आप यहाँ डन करेंगे दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट ऑफ पब्लिक फीचर, कंटेंट प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट एंड एडियंस, मतलब कि आप क्रिएटर के लिए बना रहे हैं अकाउंट या बिजनेस के लिए। तो हम क्रिएटर हैं दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद चेंज टू योर सेफ्टी सेटिंग यहां आ गया है, इसको ओके कर देना है दोस्तों। जैसे आप ओके करेंगे, शेयर लॉगिंग से यूजिंग अकाउंट सेंटर यहाँ आपसे बोल रहा है कि आप अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक को क्या लिंक करना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यदि आपका माइंड में कुछ और चल रहा है तो आप नॉट नाउ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मेरा इंस्टाग्राम का और फेसबुक का आ गया है, देन आपको कंटिन्यू करना है या फिर नॉट नाउ भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट आपका बन चुका है। बैक जाएंगे दोस्तों तो आपका जहाँ प्रोफाइल था वहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ गया होगा, लेकिन और इसका कुछ सेटिंग है कर लेंगे तो आपको बेहतर होगा दोस्तों। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। एज फिनिशिंग एडिंग, फिनिशिंग एडिंग योर अकाउंट्स आ रहा है दोस्तों। यहाँ भी आप चाहे तो नॉट नाउ कर दे या एज फिनिशिंग एडिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिंग पर क्लिक करेंगे, कुछ देर है सर्फिंग लेगा, इसके बाद आपको ले जाएगा यहाँ सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट। यहाँ से भी आप मतलब बैक जाएंगे तो आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन हो चुका है दोस्तों। लेकिन आप 6 स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जल्दी ग्रो होगा अकाउंट्स, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 1 of 6 स्टेप कंप्लीट करना है। गेट इंस्पायर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। पहले नंबर पर जैसे आप क्लिक करेंगे गेट इंस्पायर्ड पर दोस्तों, गेट इंस्पायर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ आपसे बोल रहा है जो आपके कैटेगरी के कैंडिडेट हों उनको किसी को फॉलो कर लेना है। तो मेरा भक्ति इंस्टाग्राम है दोस्तों, तो मैं यहाँ कपिल मिश्रा को फॉलो करने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ इनको फॉलो करके ऊपर में जो राइट नाउ का ब्लू टिक है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे 2 of 6 स्टेप कंप्लीट। अभी 1 of 6 स्टेप कंप्लीट दिखा रहा था, अब आपको 2 of 6 स्टेप कंप्लीट दिखा रहा है। मतलब यहां देखिए नीचे कंप्लीटेड और प्रोफाइल तो मेरा पहले से कंप्लीट है। इसके बाद गेट इंस्पायर्ड में भी ब्लू टिक लग गया है। अब आपको तीसरे नंबर पर क्लिक कर देना है। तीसरे नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको ग्रो योर ऑडियंस, इनविट योर फ्रेंड, योर फॉलो योर अकाउंट्स, यू कैन ऑल्सो फॉलो योर फ्रेंड्स टू देम फॉलो यू बैक। मतलब यहाँ बोल रहा है कि आप मतलब कि किसी और को शेयर कर दें या इंस्टाग्राम के लिंक को, ठीक है दोस्तों। तो आपको इनविट फ्रेंड पर आपको क्लिक करना है। इनविट फ्रेंड पर जैसे आप क्लिक करेंगे, सारा सोशल मीडिया का साइट खुल जाएगा। यहाँ आपको किसी को शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक के या व्हाट्सएप पे या ब्लूटूथ से या मैसेज पे, ईमेल पे, चैट पे या क्रोम कलेक्शन पे, कॉपी क्लिकबोर्ड पे, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे बैक आ जाइए दोस्तों। बैक आने के
बाद ऊपर जो राइट नाउ का चिन्ह है उस पर आप क्लिक कर दें। देखिए ब्लिंक ब्राउज कर दिया दोस्तों और ग्रो ऑडियंस मेरा भी कंप्लीट हो गया। यहाँ लिखने लगा सॉरी दोस्तों 3 of 6 कंप्लीट, मतलब 3 स्टेप मेरा पूरा हो गया। अब आपको चौथे नंबर पर क्लिक कर देना है। चौथे नंबर पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ब्लू टिक जो है उसी पर आपको क्लिक करना है। फिर से ब्राउज करेगा दोस्तों और यहाँ देखिए आपको सेलिब्रेट का ऑप्शन आ गया है। चौथा स्टेप एक्सप्लोर 2 लाइन इनसाइड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो 4 of 6 कंप्लीट, मतलब अब ब्लू हो गया है दोस्तों, जो लाल रंग था अब यहाँ देखिए ग्रीन हो गया है। अब आपको पांचवे नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे आप क्लिक करते हैं व्हाट यू लाइक टू सी मोर ऑफ, मतलब आप पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हैं, तो रीच एंड मीडिया एंगेजमेंट दोनों को आपको क्लिक कर लेना है, देन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको कमेंट्स एंड मैसेज पर आप चाहे तो और किसी पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद डन कर देना है। जैसे आप डन करेंगे थैंक विल यूज द इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स, मतलब यहाँ आपको वेलकम स्वागत किया है आपका दोस्तों। और 4 स्टेप मेरा 5 स्टेप पूरा हो गया, 5 of 6 स्टेप कंप्लीट। यहाँ देख सकते हैं टेल अस योर गोल्स, दिस हेल्प अस कॉन्टेक्ट कनेक्ट योर टू ऑडियंस, यू कैन हेल्प यू अचीवमेंट्स, मतलब आप विजेता हुए दोस्तों। 5 स्टेप आपने पूरा कर लिया है, अब आपको क्या करना है, 6वें नंबर पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहां से भी आप बैक जाएंगे तो भी आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन हो चुका है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6वां भी आपको कंप्लीट करना है। 6वां कंप्लीट करने के लिए 6वें नंबर पर आपको क्लिक करना है, बूस्ट गाइडेंस बोल रहा है दोस्तों, आपको बूस्ट योर पोस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बूस्ट योर पोस्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहां आप समझ लें कि आपको 2-3 रील पोस्ट कर देना है या फिर 2-3 स्टोरी या फिर पोस्ट को पोस्ट कर देना है। हम चलिए रील पोस्ट करते हैं, रील पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रील पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका कैमरा खुल जाएगा, कैमरा से भी आप लाइव शूट कर सकते हैं या फिर गैलरी से भी ले सकते हैं। गैलरी पे आपको फोटो लेना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे आपको गैलरी में रीडायरेक्ट कर देगा, यहाँ से आप फोटो वीडियो रील को कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए मैं एक यहाँ से रील ले लेता हूँ दोस्तों। लेने के बाद यहाँ देखिए मेरा इंपोर्ट हो चुका है रील। इसके बाद आपको म्यूजिक लगाना है, आपको म्यूजिक आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों। म्यूजिक आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे मनचाहा कीवर्ड्स को आप सर्च कर लेंगे, जैसे मेरा भक्ति है तो बजरंगबली हो गए, दुर्गा जी हो गए, गणेश जी हो गए। इसके बाद मैं यहाँ गणेश लिख लिया हूं, मेरा सॉन्ग आ गया है दोस्तों। अब आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे इसको लेफ्ट राइट थोड़ा घटा बढ़ा लेंगे, मनचाहा गाने को आप लगा सकते हैं, देन आपको डन कर देना है। जैसे आप डन करेंगे दोस्तों आपका सॉन्ग लग गया है, आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे शेयर योर रील्स टू फेसबुक टू, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने इंस्टाग्राम और रील को डायरेक्ट फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं, मतलब यदि आप लिंक किए हैं तो अलाउ कर देंगे, तो जो आप इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे दोस्तों वह डायरेक्ट फेसबुक पे भी शेयर हो जाएगा। एक ही बार में डबल काम हो जाएगा, आपका मेहनत कम लगेगा। आपको अलाउ भी कर सकते हैं, नॉट अलाउ भी कर सकते हैं। अलाउ करेंगे तो यह रील इंस्टाग्राम पे भी शेयर होगी और फेसबुक पे भी शेयर होगी, और नॉट नाउ कर देंगे तो ओनली यू कैन आप इंस्टाग्राम पे रहेगा दोस्तों। तो आपको हम आपको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ आपको कीवर्ड्स लगा लेना है। जैसे कीवर्ड्स में आपको क्या लगाना है, करो तुम दया मेरे गणराज, इसके बाद एक मतलब कि स्लैश लगा देना है और स्पेस दे देना है, इसके बाद हैशटैग गणेश, हैशटैग इंस्टा पोस्ट एंड हैशटैग या भी रील, इसके बाद देन आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे शेयरिंग टू रील्स आ गया है दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ शेयर करने के लिए शेयर हो गया, अब आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों विथ ए फेसबुक ऐड अकाउंट, मतलब पहले वाले पे क्लिक रहेगा तो आपको पेड वर्जन है, आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। विदाउट फेसबुक ऐड अकाउंट दूसरे नंबर पे क्लिक कर देना है, देन आपको नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। अब यहाँ देखिए जैसे आप बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग रील्स दैट यूज कॉपीराइटेड म्यूजिक कैन नॉट बी बूस्टेड एड्स, चूज ए डिफरेंट रील टू क्रिएट ऑन एड्स। यह आपसे बोल रहा है कि आपने जो सॉन्ग लगाया उसको मीडिया कंपनी अभी खरीद के नहीं रखा है, उस पर रजिस्टर नहीं, इस पे इसलिए उस पे कॉपीराइट आ सकता है, यह आपका रील बूस्ट नहीं हो पाएगा, कृपया अनदर, मतलब कि कोई और रील बनाएं। अब आपको क्या करना है दोस्तों,
कि बैक आ जाना है, बैक आने के बाद फिर से वही प्रक्रिया करना है और फिर से दो तीन रील को आपको पोस्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ देखिए मैंने एक फोटो ले लिया है, देन मतलब कि म्यूजिक आइकन पर क्लिक करना है, कोई भी अपना मनचाहा म्यूजिक को सर्च कर लेना है, देन उस पर प्रेस करना है और म्यूजिक आ गया है, डन कर देना है। दोस्तों डन करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद वक्र तुंड महाकाय का मैंने म्यूजिक लगाया था, इसके बाद स्लैश किया, इसके बाद देन इंस्टाग्राम रील्स एंड हैशटैग एफबी रील, इसके बाद ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, शेयर पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मेरा शेयर हो गया है और हमको लग रहा है बैक भी कर दिया है, मतलब मेन फेस पे ला दिया है। दोस्तों आप बैक करेंगे, यहाँ देखिए जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पर ला दिया है, मतलब अभी आपको पांचवा छठवां स्टेप पूरा करने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए मतलब कि जहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन था, यहाँ देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन हो गया है और ऊपर में 5/6 स्टेप कंप्लीट हो गया है। फिर से आपको कंप्लीट करना है, एक दो दिन तीन दिन बाद भी आप कर सकते हैं, फिर भी 5/6 स्टेप कंप्लीट पर आप क्लिक करेंगे फिर से वहीं ले जाएगा। दोस्तों आपको यहीं से हम शुरू किए थे, लर्न अबाउट होम एड्स वर्क पर आप क्लिक करेंगे, फिर से बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आएगा। दोस्तों बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करके फिर से आपको रील और सॉन्ग लगा के पोस्ट कर लेना है, छठवां स्टेप भी आपका पूरा हो जाएगा। दोस्तों तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे ऑन करते हैं आपने जान लिया है। दोस्तों इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे ऑन करते हैं दोस्तों यहां आपने जान लिया है और यहां तक वीडियो देख ही लिया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम यह नहीं कहेंगे कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम से आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं और गिफ्ट्स को अपने इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कैसे करेंगे दोस्तों, और गिफ्ट्स अनेबल कैसे करेंगे, कोई आपको गिफ्ट करेगा तो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों।